नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल एग्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप और आपके गार्डन? आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों आज रविवार का दिन है और आप लोग छुट्टी मना रहे होंगे और अपने गार्डन में लगे होंगे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करने में। तो हम भी आज अपने गार्डन में ज़्यादा समय बिताएंगे और आपको तरह तरह की अपडेट से रूबरू कराएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपने गार्डन की कुछ अपडेट्स। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बाकी सभी सीडलिंग हमारी पहले ही जर्मिनेट हो गई हैं, बस एक ये सीडलिंग है ये अब जर्मिनेट हुई है और ये भी अभी जर्मिनेट हुई है। बाकी पहले से ही हमारी सीडलिंग सब स्टैंड हो चुकी हैं, ये देखिए। अब देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये इतने दिन बाद जर्मिनेट हुआ है। इसका लीफ हटा के देखता हूँ क्या है इसमें, ऐसा क्या खास है इसमें जो ये इतनी लेट जर्मिनेट हुआ है। हमने तो काउंट भी कर लिए थे कि हमारे इतने सीड जर्मिनेट हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये जर्मिनेट हुआ है। दोस्तों इसके अंदर कोई खासियत मुझे नज़र नहीं आ रही है, बस ये नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा थिक है। पहले इसके लिए थोड़ी जगह बना देते हैं। दोस्तों इसको लगा तो दिया है हमने, अब देखते हैं ये ग्रो कैसे करता है। और दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जो नेट है इस नेट के अंदर जो होल बने हुए हैं उन होल से पानी नीचे गिरता है और नीचे गिरने की वजह से कुछ इस तरीके से, ये आप देख रहे होंगे, ये जो होल हैं इस तरीके से बन जाता है। और कभी कभी ये सीडलिंग पर भी गिर जाता है और सीडलिंग पर गिरने के बाद देखिए उसकी रूट्स इस तरीके से इसने, ये देख रहे होंगे, विजिबल कर दिए। दोस्तों जैसा आपने देखा कि हमने इसको शेड के नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे पानी आराम से इन पे गिर सकता है, तो पानी से बचाने के लिए हमने इनको थोड़ी शेड में रखा तो ये लेंदी हो गए हैं। दोस्तों ये एक अपडेट मुझे बहुत ज़रूरी लगी इसलिए मैं अपनी वीडियो के बीच में दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये एक चाइनीज़ मांझा है और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। हम भी पहले पतंग उड़ाया करते थे, इस तरीके के मांझे से हम पतंग नहीं उड़ाते थे। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे इस पेड़ के ऊपर से आ रहा है, किसी बच्चे ने पतंग उड़ाई होगी, उसकी पतंग कट गई होगी तो उसने ये मांझा ऐसे ही छोड़ दिया है। और अब हम इसको यदि खींचते हैं तो ये हमारे पेड़ को ऊपर से प्रून कर देगा। हालांकि इस पेड़ को प्रून करने का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि ये पेड़ की क्वालिटी ही ऐसी है, इसको समय समय पर ऊपर से प्रून करते रहना चाहिए तभी ये फूल और फल देता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कई लोगों की जान भी ले चुका है। रोड साइड चलते हुए लोगों के, जो बाइक पे चलते हैं उनके गर्दन में फंस जाता है और खींचता चला जाता है तो उनकी गर्दन कट जाती है। तो दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर गार्डनर हैं और जो यूट्यूब पर चैनल बनाए हुए हैं जिनका बहुत बड़ा चैनल है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग अपने चैनल में भी इस टॉपिक को इंक्लूड करके लोगों को अवेयर करें और इस मांझे का बहिष्कार करने के लिए अपील करें। हमारा चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लोग हमारे चैनल में नहीं हैं तो हम ज़्यादा लोगों तक संदेश नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट और अपील करता हूं, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं आप वहां पर इसका संदेश डालें कि इस मांझे को बैन कर दिया जाए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि किस तरीके से हम इस मांझे को पूरे तरीके से भारत में बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी अडेनियम सीडलिंग्स का रिव्यू कर रहे थे, उस टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों आप जो ये सीडलिंग देख रहे हैं आपको दिख रही होगी, ये थोड़ा लंबी हो गई हैं और इनका लंबी होने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे टेरेस पर ग्रीन नेट लगा हुआ है, उसके अंदर होल होते हैं और उसमें से पानी नीचे आ जाता है।
तो उस पानी से बचाने के लिए, क्योंकि जो छोटी सीडलिंग होती हैं उनको पानी से बचा के रखना चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, ज़्यादा लंबे समय तक उस पर पानी नहीं गिरना चाहिए। तो मैंने इसको उठाकर नीचे एक शेडी एरिया में रख दिया था जहाँ से सनलाइट आती है, लेकिन वहाँ पर सनलाइट थोड़ा कम आती है। और ये बात तो हर गार्डनर को मालूम ही है कि जब आपका प्लांट ग्रो करता है तो वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है, तो बस इन सीडलिंग ने अपने नेचर के हिसाब से सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया और ये पूरी तरीके से लेंथी हो गई हैं, क्योंकि इसका बॉटम जो है हमने ज़्यादा गहरा नहीं बनाया है, तो उस वजह से इसकी जो रूट्स हैं इस सीडलिंग के बाहर को संभाल नहीं पा रही हैं और ये इस वजह से नीचे की साइड झुक गई हैं। तो उनको सीधा करने के लिए मैं ये स्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इन स्टिक्स को मैं इसके ऊपर अभी और लगाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ समय तक अभी इसको रिपोर्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से यदि आपकी सीडलिंग तिरछी हो जाती हैं तो आप बैम्बो स्टिक लगाकर उसको सीधा कर सकते हैं, जैसा मैं इसमें कर रहा हूँ। दोस्तों, सभी सीडलिंग पर मैं स्टिक लगाकर उनको सपोर्ट दे दूँगा ताकि वो सीधा ग्रो करें, और कुछ समय बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस पौधे को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ये जानकर मुझे और ज़्यादा खुशी होती है कि उस पौधे को 2900 लोग और भी हैं जो इस पौधे को पसंद करते हैं और हमारे साथ इंडिया के अंदर इसको ग्रो करने का और कलेक्ट करने का जज्बा रखते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली एक नई जानकारी के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो में जिस चाइनीज़ मांझे के लिए मैंने आपको अपील करने के लिए कहा है उसके बारे में कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि हम कैसे इसको पूरी तरीके से भारत में बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने रविवार का आनंद लीजिए और मैं भी अपने गार्डन में नई नई अपडेट्स ढूंढता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से जानकारी दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।